मॉर्निंग क्लास बेटा आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं बेटा? हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, क्लियर। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो राम की क्या हो गई? संज्ञा, ठीक है। तो राम कैसा लड़का है? अच्छा, ये इसकी विशेषता बता रहा है ना। अच्छा, उसकी विशेषता हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेषण। तो आए समझ में, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका विशेष्य। विशेष्य क्या होता है बच्चों? जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे अच्छा कौन है? राम। राम की विशेषता है ना अच्छा, तो अच्छा किसकी विशेषता होगी? राम। तो विशेष्य क्या हो जाएगा इसमें? राम। राम क्या है इसमें? विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य में अंतर समझ में आया? विशेषण तो क्या होगा? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्लियर। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा विशेषण हो गया, विशेषता हो गई। लेकिन अच्छा में बहुत जोर दिया, यानी कि बहुत ज्यादा, तो यानी कि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण। तीनों टॉपिक क्लियर हो गए आपके। पहला है विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, क्लियर। सबको तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए। अब आएंगे हम विशेषण के भेद। तो बच्चों विशेषण के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। कितने भेद बताए मैंने? चार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो गुण, दोष, रंग, आकार, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं। वे शब्द जो रंग, गुण, दोष, काल, आकार आदि का बोध कराते हैं। जितने भी रंग है, अवस्थाएं, ये सब काय लेंगे गुणवाचक विशेषण, क्लियर। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं। वे विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? संख्यावाचक। अब ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं? जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार। अभी बोलो क्लास सिक्स में कितने बच्चे हैं? क्लास सिक्स में 50 बच्चे हैं, तो 50 एक निश्चित संख्या हो गई, ठीक है। तो वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे भी बोलो सिक्स क्लास में बहुत सारे बच्चे। अब बहुत सारे का क्या मतलब है? कुछ निश्चित है क्या? नहीं। अगर आप बोलते हैं सिक्स क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 तो निश्चित संख्या हो गई, ठीक है। और हम बोले कि सिक्स क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत
माता जी दो लीटर दूध लाई, निश्चित है। तो जो निश्चित मात्रा का बोध कराता है उन्हें हम निश्चित परिमाण वाचक कहते हैं, और जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता उन्हें हम अनिश्चित परिमाण वाचक कहते हैं। जैसे पिताजी थोड़े से आलू लाए, पिताजी बहुत सारी चीनी लाए, ठीक है, तो इसमें हमें पता नहीं है ना कितनी लाए। तो जो निश्चित संख्या निश्चित मात्रा का बोध कराए निश्चित परिमाण वाचक, जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता वो अनिश्चित परिमाण वाचक। समझ में आ गया? देखो गुणवाचक में किसका बोध होगा, रंग रूप गुण दोष आकार आदि का, संख्यावाचक में संख्या का, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, परिमाणवाचक में नाप तोड़ यानी कि मात्रा का, वो भी निश्चित और अनिश्चित। अब है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग में लाए जाते हैं। देखो मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया, ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या होंगे, वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयोग में आते हैं। जैसे यह लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का संज्ञा हुई, संज्ञा से पहले क्या लग गया, यह, ठीक है, तो यह है। जब अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, और संज्ञा से पहले जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के लिए समझ में आ गए, चार भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक में रंग रूप गुण दोष आकार दशा आदि का बोध होता है, संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है, परिमाणवाचक में मात्रा का बोध होता है, सार्वनामिक में सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगते हैं।